ओनली 4,99,000। 5 लाख के नीचे XUV 500 575 कर देते हैं। आई थिंक 575 इस प्राइस में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सबाई कैमन आछेन? भालो तो मैं हूँ सबुज। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जगह तो आपको पहचान में आ ही गया होगा। यस, बैक टू MS मोटर इंडिया, और हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं मिस्टर ऋतिक। ऋतिक जी कैसे हैं? बस स्वस्थ और मस्त। मैंने आज का जो कलेक्शन है आज का जो कलेक्शन है हर कोई मस्त मस्त हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। SUV का लाइन, SUV की लाइन ही लाइन है। हैचबैक भी दिखाएंगे, सेडान भी दिखाएंगे, बट स्पेशल SUV भी दिखाएंगे। यस, बट स्पेशली ये ब्लॉग है SUV का, स्पेशली है कॉम्पैक्ट SUV से लेके मिड साइज SUV प्लस प्रीमियम SUV सब कुछ कवर करेंगे आज के डेट पे। और एक चीज हमेशा हम लोग बोलना भूल जाते हैं, पैन इंडिया लोन। जी हाँ, पैन इंडिया लोन हो जाएगा। एंड अगर और भी USPs की बात करें जो हम वीडियो में के दौरान भी बोलते हैं बट बहुत लोग स्किप कर देते हैं या वैसा कुछ, तो मैं पहले बता देता हूँ, हमारी कोई भी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं होती। एक्सीडेंटल कार में हम डील नहीं करते हैं। दूसरा, मीटर टेम्परिंग हमारे यहाँ नहीं होती। व्लॉग में आप आगे भी देखिएगा, जो 90,000 चली हुई है कार वो भी दिखाएंगे, जो 40,000 जो ओरिजिनल जितनी चली हुई है ओरिजिनल बोलकर ही सेल करते हैं, क्योंकि एक कार सेल कर रहे हैं, कार इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर, एंड वहाँ ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। राइट, सो पूरी ट्रांसपेरेंट डील रहती है। एंड पेपर वर्क के लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, पूरी टीम बैठी हुई है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफ़र हो, बीट फाइनेंस, बीट इंश्योरेंस, कोई भी चीज़, जो भी आपको सर्विस रिक्वायर्ड है हमारी टीम देख लेगी। आपको बस आके बैठ के सिग्नेचर्स करने हैं अपने, बस। और वेरी कन्वीनियंटली लोकेटेड है हार्ट ऑफ द सिटी पे, कस्बा पे, एक्रोपोलिस मॉल हर कोई जानता है। ये बाईपास से 2 मिनट का डिस्टेंस है, गरीहाट से भी 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो एक्रोपोलिस मॉल का ऑपोजिट, बैंक ऑपोजिट, और एक मॉल है चेंबर्स मॉल। चेंबर्स मॉल का 3rd फ्लोर पे MS मोटर इंडिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सफर। सो दोस्तों, ब्लॉग का शुरुआत करेंगे यस हॉट केक से, सभी का फेवरेट SUV किंग क्रेटा। क्रेटा में पेट्रोल भी है, डीजल पे भी है, न्यू शेप भी है और ओल्ड शेप भी है, और दोनों मैनुअल। दोनों मैनुअल है, फैंटास्टिक। और एक सनरूफ के साथ भी है, दोनों टॉप मोस्ट वेरिएंट है। सो फैंटास्टिक। तो नया वाला क्रेटा से शुरुआत करेंगे। या 20 का 2020 की है। ओके, SX वेरिएंट है बट विद सनरूफ। विद सनरूफ, SX में विद सनरूफ आती थी। पेट्रोल वेरिएंट है, ड्रिवन है अराउंड 18,000 किलोमीटर। ओनली 18,000 किलोमीटर। इसकी प्राइस आपको आ जाएगी ओनली 11,99,000। फैंटास्टिक वाला। ये वाली 2016 की है, बेनिफिट 2026 तक आपको टैक्स मिल जाएगा। एंड डीजल वेरिएंट है। डीजल अभी आप लेने जाओगे तो बहुत कम ऑप्शंस मिल रही है डीजल कार्स में, तो डीजल कार्स की अभी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ गई है। और सिटी पे 17 से 18 माइलेज आराम से, इजली
सो 2016 की है, 26 तक टैक्स पेड है, ड्रिवन है अराउंड 53,000 किलोमीटर्स, अगेन जो हमारी जेन्युइन किलोमीटर चली होती है वही हम बताते हैं। सो 53,000 किलोमीटर और SX ऑप्शनल, SX प्लस वेरिएंट है। ये मैं आपको दे दूंगा ओनली 799,000। फैंटास्टिक, 799,000 पे दोनों का प्राइस नेगोशिएबल है। स्पेशल डिस्काउंट फॉर माय व्यूअर्स, ओनली फॉर कैलकुलेटिव व्यूअर्स। सो WRV, तो ये भी एकदम टॉप मोस्ट मुझे लग रहा है, सनरूफ के साथ VX MT WRV। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, रथ यात्रा है आज, डिस्काउंट तो आप दोगे हर एक गाड़ी पे मेरा व्यूअर्स के लिए। हाँ, जो वो आएंगे मैं ऑन टेबल आपको बोलूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सस्ते पे भी आता है, मिडिल क्लास के लिए अच्छा गाड़ी है सनरूफ के साथ, इसमें एक स्पेशल प्राइस कर दीजिए। ओके ठीक है, स्पेशल प्राइस मैं कर दूंगा आपके लिए। पहले इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। होंडा WRV 2017 की है, 27 तक टैक्स पेड है, फैंटास्टिक, एंड चली हुई है अराउंड 45,000 किलोमीटर्स, एंड सबसे बड़ी बात डीजल है। डीजल है जी हाँ, डीजल है। देखिए WRV तो काफी सारे मिल जाएगा मार्केट पे, डीजल नहीं मिलता, डीजल नहीं मिलते, और इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाएगा। पेट्रोल पे 17 में पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं आता था, पॉइंट टू बी नोटेड। सनरूफ तो आएगा, दोनों आएगा, बट पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं, इसमें पुश स्टार्ट तो आएगा, सनरूफ तो है ही, और बाकी सब कुछ तो है ही, बैक कैमरा, एलओएस, भरपूर फीचर्स। डिस्काउंटेड पहले आपका ओरिजिनल क्या होने वाला था? मेरी है 599,000 जो लिस्टेड है। आप बोलते मुझे 599, मैं आपको 599 ही बोलता, आपने डिस्काउंट के लिए बोला है तो 575 कर देते हैं। 575 इज अ गुड प्राइस, 575, आई थिंक 575 इस प्राइस में, इस प्राइस में आपको सनरूफ के साथ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, पेट्रोल गाड़ी मैं देखा हूं 675, 7 लाख का सब मानते हैं 2017 का, 27 तक टैक्स देके। ये डीजल है, पुश स्टार्ट भी एडिशनल फीचर है, और इससे माइंड बॉगलिंग प्राइस 575, 599 व्हाट आई वाज आस्किंग वाज आल्सो नॉट अ बैड प्राइस, नो इट वाज अ वेरी गुड प्राइस। सो 3-3 एक्सयूवी 5 डबल लो, शुरू करेंगे चमचमाता हुआ रेड कलर का एक्सयूवी 5 डबल ओ, अनकॉमन कलर है, काफी अनकॉमन कलर आता है, बहुत डिमांडेबल कलर भी है, ऐसा नहीं है कि डिमांडेबल नहीं है, रेड कोई भी कार की अगर आप रेड कलर पकड़ लो तो बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। राइट, XUV 500 रेड कलर बहुत ही डिमांडेबल रहती है, थोड़ा हटके कलर है, XUV में आप जल्दी नहीं देखोगे रेड कलर, सो इसलिए थोड़ा डिमांड बढ़ जाता है इसका, और ऑटोमेटिक भी है, ऑटोमेटिक है, W9 वेरिएंट है, एंड डीजल है, चली हुई है अराउंड 24,000, सनरूफ आ जाएगा, सनरूफ आ जाएगा, 24,000 चला है, 24,000 ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक W9, फैंटास्टिक। प्राइसिंग इसकी प्राइस आ जाएगी आपको ओनली एंड ओनली 13,99,000। XUV 500 किसी को चाहिए, इधर आपको 3-3 मिल जाएगा, तो आइए देर किस बात का टेस्ट ड्राइव लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सिल्वर कलर पे, नेक्स्ट सिल्वर कलर पे वो W9 थी, ये W11 है, सबसे टॉप मोस्ट, एकदम टॉप एंड कंडीशन, माने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट्स ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स ऐड हो जाएंगे, पूरा मैनुअल कुछ है नहीं इधर, कुछ भी नहीं है, सनरूफ तो होगा ही, सनरूफ तो है ही, ये मैनुअल या ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक, ये भी ऑटोमेटिक, W11 ऑटोमेटिक सबसे टॉप मोस्ट, इसके ऊपर XUV की कोई 500 की कोई मॉडल नहीं आती, मैनुअल भी नहीं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। सो इसके डिटेल्स पे आ जाएंगे, अराउंड 41,000 चली हुई है, अगेन जेन्युइन, हमारे यहाँ जो किलोमीटर 1 लाख चला हुआ होगा तो मैं 1 लाख बोल के आपको दिखाऊंगा कि हाँ 1 लाख चली हुई है। गाड़ी की कंडीशन कैसी है, कैसे मेंटेन की हुई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किलोमीटर पे मत जाइए कि किलोमीटर कितनी चली हुई है। सो 41,000 चली हुई है, एंड आती तो डीजल ही है इसमें, W11 2019 की ये भी है। ओके, इसकी प्राइस आपको आ जाएगी ओनली 15,49,000।
15.5 लाख जी हाँ 1549 नॉट 15.5 1549 हाँ 1000 कम जी हाँ और भी कम हो जाएगा मेरे व्यूअर्स के लिए आपके व्यूअर्स के लिए तो मैं कम करता ही हूँ हमेशा सो नेक्स्ट एक्सयूवी अब बहुत लोगों का बजट नहीं होता उतना बट एक्सयूवी में तो कौन नहीं चढ़ना चाहता है 7 सीटर किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आज के रेट में सो एक बजट में भी है मतलब इतने कम बजट में है कि आप जितने में एक स्विफ्ट लेने जाओगे आप एक्सयूवी अफोर्ड कर सकते हो राइट बजट में रहने वाली है ये वाली कार W8 वेरिएंट है 2013 की कंडीशन एकदम टकाटक फुल्ली मेंटेन कार है विद फुल सर्विस रिकॉर्ड एकदम अच्छे से मेंटेन की गई है बात वही होता है कि 95 चल गई वो मैटर नहीं करता राइट मेंटेन कैसे की गई है हो सकता है कि 30,000 चली हुई गाड़ी भी मेंटेन नहीं हो right. और हो सकता है 90,000 चली हुई मेंटेन हो तो मेंटेन कौन की जिसमें आपका खर्च नहीं आएगा right. मेंटेनेंस अच्छी रहेगी तो आपके रेकरिंग कॉस्ट नहीं आएंगे सर्विसिंग की ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी प्राइसिंग प्राइसिंग इसकी आ जाएगी आपको ओनली 4,99,000 देखिए 5 लाख के नीचे एक्सयूवी 500 मैं बोला ना एकदम बजट में रहने वाली है मिलेगा कहीं नहीं मिलेगी ओनली एट एमएस मोटर इंडिया So, आज का एसयूवी स्पेशल है हर एक ब्रांड का दिखाएंगे राइट हर एक ब्रांड हाँ मोस्टली ऑल द ब्रांड्स हम लोग कवर कर लेंगे सो टॉप मोस्ट हर एक ब्रांड का आज दिखाएंगे अभी एमजी हेक्टर मॉरिस गैरेज सो दिस इज अ ऑटोमेटिक कार शार्प एडिशन टॉप मोस्ट विद ए पैनोरामिक सनरूफ पेट्रोल गाड़ी है पेट्रोल कार फैंटास्टिक सो बेसिक डिटेल्स पे आते हैं 2020 की है शार्प है हाइब्रिड भी है ऑटोमेटिक भी है एंड ड्रिवन है ओनली 13,800 समथिंग किलोमीटर 13 नहीं इसकी नई की अगर प्राइस की बात करें तो इट कम्स अराउंड 23-24 लाख की अराउंड आती है और माइट बी ग्रेटर अभी तो और प्राइसेस बढ़ गई है कार्स की सो अराउंड अभी आप लेने जाओगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 24-25 लाख की आएगी ये मैं आपको दे दूंगा ओनली एंड ओनली 17,49,000 पे फीचर डिस्कस नहीं करेंगे आपको पता है फीचर्स कितना ज़्यादा होता है मेनली दिस इज अ इंटरनेट कार वॉइस कॉमन से काफ़ी सारा फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हो तो नेक्स्ट गाड़ी सो किया सेल्टॉस यस किया सेल्टॉस सेकेंड टॉप मोस्ट वेरियंट है HTX Plus एंड जिसमें सभी फीचर्स आता है ऑल द फीचर्स इंक्लूडेड GT लाइन में आपका ये होता है थोड़ा सा पावर एनहांसमेंट हो जाता है और एक दो एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं जैसे आपको उसमें कॉस्मेटिक चेंजेस आता है जैसा रेड बॉर्डर आता है एंड हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है सो लिटिल बिट इनहांस्ड फीचर्स मिलते हैं मेन फीचर है HOD उसमें आता है इसमें नहीं आता है बाकी सब कुछ आ जाएगा पैनोरामिक सनरूफ भी आ जाएगा एंड ऑटोमेटिक कार है डीजल वेरिएंट 2019 की है सबसे बड़ी बेनिफिट GH रजिस्टर्ड है सो आपको झारखंड का रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम टैक्स मिल जाएगा कोई झारखंड के व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट डील है और वेस्ट बंगाल के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वेस्ट बंगाल के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए भी बेनिफिट है कि उनको लाइफ टाइम टैक्स मिल जाएगा राइट नेम ट्रांसफर तो आराम से हो जाएगा वो आपका जिम्मेदारी है एनओसी आपके पास है जी हां वो मेरे पास है फैंटास्टिक सो अब आते हैं इसकी डिटेल्स 2019 की है ड्रिवन है अराउंड 23,000 किलोमीटर ड्रिवन 2019 की कार है HTX प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट है एंड ड्रिवन है अराउंड 24,000 समथिंग ओके एंड इसकी नई की अगर प्राइस की बात करूँ तो इट कम्स अराउंड 19-20 लाख की आती थी ओके एंड ये मैं आपको दे दूंगा ओनली 13,99,000 में सो 13,99,000 पे 2019 का HTX प्लस ऑटोमेटिक टॉप ऑफ द लाइन सो दोस्तों XUV 700 का मेन कंपटीशन सफारी दैट टू सफारी गोल्ड एडिशन आप देख पा रहे हो गोल्ड का पूरा बैजिंग लगा हुआ है इंटीरियर पे भी गोल्ड काफ़ी जगह पे किया गया है गोल्ड का ट्रीटमेंट सो गोल्ड एडिशन एकदम नया लग रहा है 22 का है जी हाँ 2022 की है ओनली 2-3 मंथ्स ओल्ड कार है सो 2-3 महीना पुराना गाड़ी 2022 का गाड़ी गोल्ड एडिशन सफारी
तो ऑटोमेटिक डीजल एंड विद अ पैनोरामिक सनरूफ एंड इंटीरियर की उसकी क्या बात करें, मार्बल फिनिश है अंदर में एंड गोल्ड प्लेटिंग फिनिश है बहुत जगह. सो इंटीरियर इज अ क्लास, आई कैन से इट्स अ क्लास. इंटीरियर में हर जगह आपको एक गोल्ड का फिनिश मिले. अब बैजिंग भी जो देखोगे टाटा की वो भी गोल्ड में की गई है. राइट, एंड दिस इज ऑटोमेटिक कार. दिस इज ऑटोमेटिक कार. यहाँ आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं डिफरेंट. सो देयर आर 3 मोड्स यू कैन सी. हिल क्लाइंब सपोर्ट मिल जाएगा. राइट, एंड ऑटो होल्ड ऑप्शन मिल जाता है जो आपको बहुत ही कम ऑटोमेटिक्स में मिलती है. मोस्ट कहीं कहीं नहीं मिलती. सो ऑटो होल्ड का ऑप्शन जो बहुत काम आता है ट्रैफिक्स में. और वन टच पार्किंग. एग्जैक्टली, पार्किंग ब्रेक आपको वन टच मिल जाती है इसमें. और सबसे बड़ी बात है इसका पैनारोमिक सनरूफ. वाओ, जस्ट वाओ. ओके, इकोनॉमी ड्राइव अगर आपको फ्यूल एफिशिएंट सी ड्राइव करनी है, फ्यूल एफिशिएंट होना है तो इकोनॉमी ड्राइव आप ऑन करके. परफेक्ट, स्पोर्ट्स मोड भी है. परफेक्ट, एंड हिल क्लाइंब के लिए भी आपको 3 अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं. सो फुल्ली पैक्ड विद फीचर्स. बेसिक डिटेल्स पे आ जाते हैं. 2022 की है. XZA+ गोल्ड एडिशन वेरियंट है, टॉप का टॉप, सबसे टॉप मोस्ट, वो उसपे भी गोल्ड एडिशन. एंड ड्रिवन है ओनली 4800 किलोमीटर. 4800. अगर नई की प्राइस की बात करूँ तो ये अराउंड 28.5 से 29 लैक्स की आती है. 28.5 to 29 लैक्स. हाँ, एंड ये मैं आपको दे दूंगा ओनली एंड ओनली 22,99,000 में. सो 22,99. दैट ऑल्सो नॉट अ फाइनल प्राइसिंग फॉर माई व्यूअर्स. हाँ, ऑब्वियसली नॉट. सो वन मोर टाटा का ऑफरिंग, टाटा हैरियर डार्क एडिशन. टॉप मोस्ट लग रहा है मुझे. टॉप मोस्ट XZ+ डार्क एडिशन. सीट्स की प्लास्टिक भी नहीं उठी है अभी. या तो आप गेस करोगे कितने ही किलोमीटर चले होंगे. राइट, कितना? ओनली एंड ओनली 2000 किलोमीटर. 2000, ओनली 2000 चली है गाड़ी. 2021 की कार है. ओनली 2000 ड्रिवन है एंड सबसे टॉप मोस्ट वेरियंट है. अगर नई की इसकी प्राइस की बात करूं तो अराउंड 25 से 26 लाख रुपए की ये नई आती है. राइट, एंड ये मैं आपको दे दूंगा ओनली एंड ओनली 19,49,000 में. 19,49,000. आराम से आपका शोरूम से 6-7 लाख रुपए का बजट हो जाएगा. और दिस इज नॉट द फाइनल प्राइस. एंड लोन फैसिलिटी तो है ही, ऑल ओवर पैन इंडिया. सो दो दो जीप कॉम्पस आपको मैनुअल भी दिखाएंगे, ऑटोमेटिक भी दिखाएंगे. दोनों डीजल, एक फोर व्हील ड्राइव पे भी है. राइट, दोनों लिमिटेड एडिशन. दोनों लिमिटेड, वो दिस इज लिमिटेड प्लस, वो लिमिटेड है. माने दोनों में पैनोरामिक सनरूफ आ जाएगा. दोनों में पैनोरामिक सनरूफ. फैंटास्टिक, दोनों टॉप मोस्ट वेरिएंट है. थोड़ा मोरा चेंजेस है, ये मैं देख पा रहा हूँ. न्यू शेप. ये न्यू शेप है, ऑल न्यू शेप है. पहले किसकी किसकी डिटेल्स कवर करें उसकी. न्यू शेप पे आ जाते हैं. पहले 2021 की कार है. 2021 का. जी हां, 2021 की लिमिटेड. ऑल न्यू शेप, 4x4. एंड ड्रिवन अराउंड 23,000 to 24,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है. ये मैनुअल या ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक. सो दिस इज ऑटोमेटिक 4x4. 2.0 4x4 डीजल. ओके, और कितना चला है? अराउंड 24,000 किलोमीटर. ओनली 24,000 विद अ पैनोरामिक सनरूफ, विद फिल्ड अप विद फीचर्स, पैक्ड विद फीचर्स. Wow. So pricing पे आ जाए? इसकी price, अगर नई की price की बात करूँ तो it comes around 32 lakhs की आती है. Right. मैं आपको दे दूँगा only 26,50,000. So 26,50. 26,50. So this is the top of the line. Yeah. इससे ऊपर कुछ नहीं आता है. Fantastic. So black color का आ जाएंगे अभी. This is the manual. ये manual transmission है. इसकी अभी आप देख रहे हो logo and number plate हटे हुए. क्यों हटे हुए वो मैं बता देता हूँ. अभी हमने इस पे PPF करवाई है. Okay. तो पूरी अभी PPF होकर जस्ट गाड़ी आई है. Okay. And इसकी डिटेल्स पे आ रही 2019 की है. Okay. लिमिटेड प्लस वेरियंट है. डीजल है, मैनुअल ट्रांसमिशन. इसकी प्राइस आपको आ जाएगी ओनली एंड ओनली 15,99,000. 15,99. So both prices are negotiable, right? For my viewers. आपके viewers के लिए on table. So आके कलकत्ता उतना ज़्यादा बड़ा scope नहीं रहता negotiation का. Already हम लोग best price देते हैं. मेरा viewers के लिए. देख लूँगा. अब आते आपके बोल के आते हैं कि कलकत्ता tube का video देख करके आया तो मैं अच्छा खासा negotiation करता हूँ. So हर तरह का SUV दिखाने का promise था. तो SUV king तो हो गई. SUV king. Fortuner. Toyota Fortuner. Old shape में है. बट बेनिफिट ये 4x4 है. और मुझे तो यही शेप ज्यादा अच्छा लगता है. ये शेप एक्चुअली ज्यादा बल्की लगती थी, ज्यादा मस्कुलिन लगती थी. एग्जैक्टली. न्यू शेप इज गुड बट वो थोड़ा प्रीमियम ज्यादा हो जाता है. नॉट दैट मस्कुलिन.
तो ये सिर्फ पर्सनली मुझे भी ज्यादा पसंद थी। प्लस 4x4 व्हील ड्राइव मिल जाएगा। 2013 की कार है, ड्रिवन है अराउंड 73,000 किलोमीटर। अगेन जो ड्रिवन है तो है, फॉर्च्यूनर के लिए 73,000 इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। सो 2013 की है, मैनुअल ट्रांसमिशन 4x4 फॉर्च्यूनर। ये मैं आपको दे दूंगा ओनली एंड ओनली 13,99,000 में। 13,99 आज के डेट पे 4x4 फॉर्च्यूनर लेने चाहेंगे तो अप्रोक्स 50 लाख। जी हाँ, आज के अगर न्यू सेव आप लेने जाओगे तो अराउंड 45 to 50 lakhs भी नहीं, 50 लाख हो चुका है, 50 लाख हो चुका है एंड प्लस 50 लाख प्लस। सो हैचबैक का शुरुआत करेंगे। जी हाँ, हैचबैक एंड सेडान। हैचबैक में पोलो नहीं होने से कुछ नहीं होता, मजा हाँ, नहीं आता। बेस्ट हैचबैक, जितना सारा हैचबैक आज के डेट पे है, आज भी ड्राइवेबिलिटी पे, फन टू ड्राइव पे, टॉर्की नेचर पे, कंफर्ट पे, कंफर्ट तो है ही। पोलो इट्स ए ड्राइवर कार, प्लस दिस इज ए 1 लीटर टर्बो इंजन, फैंटास्टिक, माने मोर फन टू ड्राइव। राइट, सो कब का गाड़ी है? 2019 की है, पेट्रोल कार है, चली भी थोड़ी सी ज्यादा है, 53,000 अराउंड ड्रिवन है। 53 ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मल होता है। हम जिस रेंज में डील करते हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा मैं बोल सकता हूँ 2019 के हिसाब से, बट कंडीशन वाइज एंड मेंटेनेंस वाइज सुपर्ब। माने कितना मजा आया होगा जो कस्टमर 3-4 साल पे इतना चलाया। एग्जैक्टली, माने गाड़ी कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी वरना इतनी कौन चलाएगा। यस, सो 2019 की है, पेट्रोल कार है एंड कंफर्ट लाइन वेरिएंट है, नई जीटी की ग्रिल लगी हुई है, नॉट जीटी लाइन, ये जीटी लाइन नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जीटी की ओनली ग्रिल लगी हुई है एंड कुछ और भी मॉडिफिकेशंस किए हुए इंटीरियर में, बट नॉट जीटी लाइन, 1 लीटर टर्बो इंजन है। इसकी प्राइस आपको आ जाएगी ओनली 5,49,000। और दोस्तों दिस इज नॉट अ नॉर्मल 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, नहीं, ये टर्बो इंजन है 1 लीटर का, माने 100 के ऊपर BHP आ जाएगा और दमदार इंजन। यस, किंग ऑफ सेडान ओबी 3-3। तो शुरुआत करेंगे फिफ्थ जनरेशन से। आज के डेट पे फिफ्थ और फोर्थ दोनों सेल हो रहा है शोरूम से, फोर्थ जनरेशन बन नहीं हुआ है, अवेलेबल है, फिफ्थ भी अवेलेबल है। इसकी डिटेल्स पे आ जाते हैं। VXMT वेरिएंट है, 2020 की है, फ्यूल टाइप है पेट्रोल, मैनुअल ट्रांसमिशन, ड्रिवन है सनरूफ, विद अ सनरूफ, ड्रिवन है अराउंड 26,000 किलोमीटर। ओके, नई की अगर प्राइस की बात करूं तो अराउंड 18 to 19 lakhs की आती है, पेट्रोल, पेट्रोल। ओके, ये मैं आपको दे दूंगा ओनली एंड ओनली 11,99,000। 11,99,000, 2020 की कार, 26,000 सिर्फ चली हुई एंड शोरूम से आपको अराउंड 6 to 7 lakh का बचत हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। सो फोर्थ जनरेशन ये 2017 की है, 27 तक टैक्स पेड है, CVT ऑटोमेटिक। सो CVT ऑटोमेटिक दोस्तों, एंड ड्रिवन है अराउंड 43,000 किलोमीटर्स। ओके, फ्यूल टाइप है पेट्रोल एंड ये मैं आपको दे दूंगा ओनली एंड ओनली 6,99,000 में। 6,99,000, फैंटास्टिक। सो ये काफी सस्ता पे आ रहा है। हाँ जी, ऑटोमेटिक एंड आपको नहीं मिलेगी ऑटोमेटिक के हिसाब से। सो फिर से आ चुके हैं, ये भी फोर्थ जनरेशन है, तो दोनों फोर्थ जनरेशन है। पहला वाला ऑटोमेटिक था, VMT था, ये VX है सनरूफ के साथ मैनुअल, मैनुअल, फैंटास्टिक। 2017 की है, VXMT मैनुअल ट्रांसमिशन, तो ये भी 27 तक टैक्स है, ये भी 27 तक, दोनों 27 तक टैक्स देखे। प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक। ये वाली आपको चली हुई है अराउंड 53,000 किलोमीटर। ओके, पेट्रोल, पेट्रोल, इसकी प्राइस आपको आ जाएगी सेम 7,99,000। वाओ, 7,99, क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिकॉज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ द वेरिएंट, बिकॉज़ CVT था, वी वेरिएंट था, ये VX है, इसमें सनरूफ आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक था, ये मैनुअल है, प्राइस सेम है दोनों का, फैंटास्टिक। Volkswagen का फिर से एक सेडान, कॉम्पैक्ट सेडान, एमयू, एमयू, ये पोलो ही है विद अ डिकी, सेम इंजन, सेम इंजन, वन नहीं, वन पॉइंट, हाँ सेम इंजन, 1.2 लीटर हाईलाइन वेरिएंट है, 2016 की है, बेनिफिट 26 तक टैक्स मिल जाएगा। वाओ, एंड ड्रिवन है अराउंड 42-50,000 किलोमीटर, 45,000 समथिंग ड्रिवन है। ओके, ये मैं आपको दे दूंगा ओनली एंड ओनली 3,75,000 में, नेगोशिएबल, ऑन टेबल, हाईलाइन टॉप मोस्ट वेरिएंट विथ ए डिकी, कॉम्पैक्ट सेडान, 26 तक टैक्स दे के।
सो स्कोडा ऑक्टेविया और एक मस्त गाड़ी जी हाँ, बहुत ही प्रीमियम एंड इस रेंज में जो स्कोडा सुपर प्रीमियम मैं बोल सकता हूँ, सुपर प्रीमियम कंफर्ट एंड ड्राइविंग प्लेजर सेट्स वाव। सो 2017 की कार है स्कोडा ऑक्टेविया, स्टाइल प्लस वेरिएंट है, ऑटोमेटिक कार है, डीजल फ्यूल टाइप है डीजल एंड ड्रिवन है अराउंड 46,000 किलोमीटर्स। अगेन जो हमारे यहाँ ड्रिवन रहती है वही रहती है, मीटर टेम्परिंग हमारे यहाँ नहीं होती, बस तौबा मीटर टेम्परिंग नहीं। सो टैक्स 2027 तक होना चाहिए ना, ये यूएसपी है। 27 तक टैक्स, 17 का गाड़ी, 17 की गाड़ी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक डीजल 27 तक टैक्स पेड है एंड जिस प्राइस में मैं दे दूंगा टैक्स पेड होने के बाद, वो भी डीजल ऑटोमेटिक ऑक्टेविया कहीं नहीं मिलेगी, ओनली 12,99,000। एक बार मैं बोलूंगा आके इसका ड्राइवेबिलिटी चेक कीजिए और इसका सीट कंफर्ट लग्जरी गाड़ी। अगर आप कभी भी कोई भी गाड़ी आके टेस्ट ड्राइव कीजिए, लेनी नहीं ले ली बात की बात है, आइए हमें सर्व करने का एटलीस्ट मौका दीजिए, आइए आराम से टेस्ट ड्राइव लीजिए, गाड़ी देखिए, चेकआउट कीजिए, इंटीरियर देखिए, सब कुछ देखिए, प्रीमियम कार्स की आकर के टेस्ट ड्राइव लीजिए। नहीं लेनी है, एक साल बाद लेनी है, दो साल बाद लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए। यू आर मोस्ट वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम।